हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी यार। दोस्तों, नाइट फॉल के बारे में बात करेंगे कि नाइट फॉल को आप कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं बिना किसी एलोपैथिक दवाइयों के। तो वीडियो को पूरा देखना है, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नाइट फॉल एक बहुत कॉमन समस्या है, हर व्यक्ति के साथ ये होता है। हर व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है भाई, आप जब सो रहे हैं तो आपका जो है एजुकुलेशन हो गया, थोड़ी सी मात्रा में आपका सीमन निकल जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। अगर आपको महीने में 4 से 5 बार हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, नॉर्मल कहलाता है। 4 से 5 बार होना महीने में नॉर्मल है। अगर आपको हर दिन ही हो रहा है, 15 से 20 बार हो रहा है, तब आपको सोचने वाली बात है। अब सोचने वाली बात ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेना, क्योंकि एलोपैथी अलग चीज बोलती है, आयुर्वेदिक अलग चीज बोलता है। एलोपैथी बोलता है भाई किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, आयुर्वेद बोलता है कमजोरी आती है, शुक्र धातु है वो निकलेगी तो कमजोरी आएगी। एलोपैथी बोलता है भाई ये चीज़ होगी तो आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, चाहे इस बात चाहे एलोपैथी की मानो चाहे हर्बल की मानो, दोनों ही जगह से आपको नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको इसका सॉल्यूशन है, एलोपैथी में भी है और आयुर्वेद में भी है। तो बेसिकली हम आयुर्वेद की बात करेंगे आज। तो पैथोफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं भाई, आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, आप उस चीज़ को सोचेंगे तो आप स्ट्रेस में जाएंगे, आपके गाल पिचक जाएंगे, कमजोरी इसलिए आती है। मेंटल स्टेट, आपकी याददाश्त भूलने की शक्ति हो सकती है, मतलब कि याद ना रहे कोई चीज़, स्ट्रेस में रहता है आदमी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, किसी शेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है आदमी ऐसा। और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो देखो, सॉल्यूशन तो ये है कि ये होता क्यों, कि जब आप इस तरह के पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं दिन भर, तो आपके माइंड में चलते हैं सपने आते हैं, वही वाली बात है, सपने आते हैं नकली और माल निकल जाता है असली। सो पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को नहीं देखना है ज़्यादा, इन चीज़ों से दूरी बना के रखना है। लेकिन कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल भी नहीं देखते, फिर भी आ जाता है, तो आपको तला भुना मिर्च मसाला फास्ट फूड ज़्यादा मात्रा में रात में नहीं खाना है, ठीक है। दूसरी चीज, पानी पीकर सोना है और पेशाब कर सोना है। आप कई बार क्या होता है, सो जाते हैं, पेशाब नहीं करते हैं, तो ये भी एक। दूसरा, एलोपैथिक के कारण एलोपैथिक बोलता है कि भाई आप जब बहुत दिनों तक सेक्स नहीं करते हैं तो ये स्टोर होता रहता है सीमन और वो निकल जाता है, तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया, वो होना भी चाहिए। तो खाने पीने पर ध्यान दो, अच्छी डाइट लो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, फोटो, मूवीज, फिल्म, इस तरह की चीज़ों से दूर रहो, ज़्यादा ना देखो। अब इलाज की बात की जाए तो उसमें दो तरह की दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा, जिस भी ब्रांड की आपको लेना ले सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। न्यू टैबलेट आता है दोस्तों, न्यू, मैंने इस पर वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, असरदार आयुर्वेद पे, न्यू जिसके अंदर शतावरी, अश्वगंधा, ये सब पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में, तो इसको ले सकते हैं आप, ठीक है। सुबह शाम ले सकते हैं एक एक गोली न्यू टैबलेट, जो कि चरक की ले सकते हो या डाबर की ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। तो 2 महीने तक इसको लेना, इससे क्या होगा कि जो आपका शुक्राणु का विस्कोसिटी है, जो वीर्य की विस्कोसिटी, मतलब कि उसका गाढ़ापन, वो बढ़ेगा, क्योंकि वो गाढ़ापन कम हो जाता है तो पतला हो जाता है, तो भी एक रिस्क, एक कह सकते हैं कि पतला वीर्य जल्दी निकल जाता है। तो गाढ़ापन बढ़ेगा मतलब कि उसमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी, और शुक्राणुओं कौन बनाता है दोस्तों, शतावरी, ये सब शुक्राणु के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना कि चमत्कार करेगा, इसलिए 2 महीने लेना। तो न्यू टैबलेट 2 महीने सुबह शाम पानी के साथ लेना है। आंवले का चूर्ण ले सकते हैं दोस्तों, आंवला पाउडर जो होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, दूसरी कई सारी बीमारियों में काम करता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करने में हेल्प करता है, तो इसको ले सकते हैं आधी चम्मच सुबह शाम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लें 15 से 20 दिन, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो नसें हैं उनको नरिश करता है, आपके शरीर में स्टेमिना को प्रमोट करता है और आपको अच्छी नींद लाता है, किसी तरह के स्ट्रेस आपको नहीं होने देता है, तो ये ले सकते हैं आप। और दोस्तों, यहाँ पे चंद्रप्रभा भट्टी की बताना चाहूँगा, चंद्रप्रभा भट्टी आपको डाबर का, बैद्यनाथ का, दूध पापेश्वर का, किसी का भी मिल सकता है, तो आप ले सकते हैं, और ये 2 टैबलेट लेना है आपको सुबह शाम, चंद्रप्रभा भट्टी की 2 टैबलेट सुबह शाम लेना है पानी के साथ खाने के बाद, तो ये आप कर सकते हैं। इतना करने से आपकी समस्या जो है 99% ख़त्म हो जाएगी, और आपकी आदतें सबसे बड़ा कारण है, तो आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप सोचोगे नहीं तो वो चीज़ होगी नहीं, हो रही है फिर भी, तो ये ट्रीटमेंट लो, आप सही हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, लाइक करना है, असरदार आयुर्वेद को सपोर्ट करें, यहाँ पर भी अपना प्यार दिखाएँ, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।